हल्ला करते हैं, ये आज से नहीं है, जब से बस का कायम है तब से है। का भी चल रहा है। और रहा सवाल गंदा वीडियो के या गंदा चीज आरोप लगाने का, हम लोग वो काम नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं छुपा रहे हैं तो हमारी शादी हुआ है, हम लोग की शादी नहीं होती है, हम लोग की शादी नहीं होती है। हाँ, 10 लोग आते हैं कलाकार सुनने के लिए, सट्टा में प्रोग्राम में ले जाते हैं, बिहार यूपी हर जगह जाते हैं, हम लोग अपना कला दिखाते हैं, उसी में हम लोग का भी दिल होता है, हम लोग भी किसी से दिल लगा लेते हैं, उसी से हम अपने लाइफ काट लेते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं हर जगह, हम वो नहीं है। अगर हम लोग गलत होते तो बड़े बड़े लोग के यहाँ नहीं जाते, या हम लोग को कोई दरवाजा पर चढ़ने नहीं देता। आज हम लोग का कला ही है तो हम लोग को इस पीढ़ी पर लाया है। अगर ये बहुत पहले ये गंदा वेश्वा वृद्धि चलता तो ये बहुत पहले अगल बगल के बुनियार हैं, राय साहब हैं, अगल बगल के बहुत कुम हैं, उन लोग हम लोग को गांव से बाहर निकाल देते। लेकिन हम लोग गलत है ही नहीं है तो उन लोग को कोई आपत्ति नहीं है। रहा सवाल ये इधर बीच का, तो रंगदारी मांगा जा रहा है। पहले हम लोग देते थे, अब दिन पर दिन फैमिली बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, तो हम अपना खर्चा देखेंगे तो प्रधान को देंगे, तो रंगदारी में बात करते हैं। लेकिन हम आपकी शुरुआत से आते हैं, जैसे आपके जीवन के बारे में बात करेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे, मतलब इस पेशे में हुई, नाच गाना शुरुआत हुआ, आपके मम्मी पापा क्या करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे मम्मी पापा, मम्मी हमारी शादीशुदा है, कलाकार मतलब डांसर नहीं, हमारी मम्मी शादीशुदा है, हमारे पाप है, हमारे बाप पहले ये कलर पुचाड़ा का सब काम करते थे, कोई बहुत अच्छे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं है, उतना ही जितना जरूरत थी उतना ही पढ़े लिखे थे, पुचाड़ा का काम करते थे, ये सब क्या बोला जाता है वही काम करते थे, पेंटिंग का काम करते थे। और हमारी बुआ थी, हमारी दादी भी थी इसी लाइन में, तो हमको अच्छा लगा ये सब देख। बच्चा होता है तो आदमी झांक कर देखता है तो क्या हो रहा है, तो हम भी दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहे थे तो अच्छा लग रहा, हम भी करेंगे, तो हम अपने शौक से आए, किसी के दबाव से नहीं आए।
तो वजह बना मोहल्ला आपके मोहल्ले मतलब। हमारे मोहल्ले खुद ही हैं, आज बदल गए हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में तो हमारी बुआ जो है इस लाइन में, आज हमारी बुआ को उम्र हो गया तो बैठ गए, हम लोग के अभी उम्र हो जाएगा, हम लोग भी बैठ जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है तो हम बैठ गए तो हमारे बच्चे भी आएंगे। अगर हम डॉक्टर हैं तो हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे तो हमसे भी ऊंची पीढ़ी पर हमारे बच्चे रहें, यही हम चाहेंगे ना। अब हम सिपाही हैं तो हम सोचेंगे तो हमारी बच्ची दरोगा बने, एसपी बने, तो ऐसा ही होता है। कोई जरूरी नहीं है तो हम इसी में डालेंगे। हाँ, इसी कमाई से, अपने कलाही की कमाई से अपने बच्चे लोग को आगे भविष्य देखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ बनाएंगे, ये नहीं है तो इसी में डालेंगे। हाँ, हम लोग का उम्र हो जाएगा, हम लोग भी बंद कर देंगे, जैसे सब है ये मोहल्ला में जितनी भी है ना, सब बब्बान है, मुद्दा है, बहुत वर्षों हम लोग पैदा क्या, हमारे बाप भी पैदा नहीं होंगे, तब से ये सब चल रहा है। आपके मोहल्ले में कितने लोग होंगे इस समय अभी सक्रिय? इस समय से 10-15 घर है, अच्छा, आप पहले कितने लोग कर सके? बहुत घर था, बहुत मतलब ये मोहल्ला देखिए ना, सब उसी से उसी है, से है। ये मोहल्ला जितने भी है सब उसी से पीड़ित है। अच्छा, तो आप लोग इसको कला मानते हैं या धंधा मानते, क्या मानते नहीं, हैं? हम कला करते हैं, रात भर अगर हम प्रोग्राम में जाते हैं तो 6 बजे शाम से लेके 6 बजे सुबह में बैठते हैं, तो हमारा खून पसीना उसी में हो जाता है। रात भर अगर धरती को पीट रहे हैं तो अपना कला ही दिखा रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है तो हम गंदगी से कमा रहे हैं, कोई दूसरे कमाई से कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम अपना कला दिखा कर कमा रहे हैं। हमें हमारा कोई मजबूरी नहीं है, हमारा अच्छा, हमको अच्छा लगता है, हम अपने हिसाब से करते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब रात में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या क्या होता है, मतलब क्या नहीं, लोग? वो बाहर रात में जैसे बारात आ गई, कोई अपने बेटे की शादी मिले गया, कोई अपने बहू भोज मिले गया, कोई बेटी की शादी मिले गया, कोई बच्चा हुआ उसमें ले गया, इसमें हम लोग जाते हैं रात भर, अपने घर पर रात भर नहीं हम लोग प्रोग्राम करते, 10 से 4 है। अच्छा, करते हैं तो उसमें बारात में डांस वगैरह होना, जी मतलब हाँ, यही सब डांस चीज? होता है, चारों बगल महफिल लगती है, अच्छा, महफिलों में आप लोग? जैसे महफिल में गुलाहट से सब लोग बैठे हैं, बीच में हम लोग का संजीदा रहता है, हम लोग डांस करते हैं, फिर भी इतना कुवत है तो हम लोग उतना दूर से हो कभी अपने आप को बचा कर हम लोग आ जाते हैं। तो कितना मतलब, अच्छा, वो तो उसे बात करते हैं कि जाते होंगे तो वहां परेशानियां भी होती होंगी डांस नहीं गाने नहीं कोई परेशानी साम नहीं सलीके है से। ना, कोई परेशानी नहीं, अगर परेशानी होती हम लोग को तो हम लोग कभी घुंघरू रख देते, अपना भविष्य, अपना किसी का मजदूरी करते या किसी का जूठा बर्तन मांजते, काट लेते, लेकिन हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ। यहाँ के मोहल्ले के भी लोग हैं, इन लोग को भी कोई परेशानी नहीं हुआ। जो हमारे प्रधान जी हुए हैं इस समय, 7 साल से परेशानी नहीं उनको हुआ, जब ये हम लोग देना बंद कर दिए 4 महीना से, तो इन लोग को अब हम लोग को बेसवा बना दें या कुछ भी बना दें, अच्छा, हम लोग को कुछ भी बना दें, वो उसकी आपत्ति वो ही जानेंगे ना। ये जानना चाहा, जिसे आपके मम्मी पापा नहीं थे, आप आ गए, आपका वजह बना आने का मोहल्ला, तो जिससे कि अन्य लोगों से बात किया था, उनके भाई बहन, तो आपकी बहन वगैरह भी इसमें है कि आप अकेले हैं? नहीं, हम लोग 3 बहन हैं, अच्छा। एक बहन का शादी किए हैं, 2 बहन अभी पढ़ती हैं, 2 भाई हैं, एक भाई का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, बोर्ड शोर्ड ये सब का दुकान है, एक भाई पढ़ता है, और जैसे आपके तवायफ वाले फेसे में केवल आप हैं या आपकी बहन है कोई 2 बहन और हैं, इसमें आपके साथ काम करती हाँ हैं? हमारे साथ करते हैं। अच्छा, तो क्या चाहेंगे कि जैसे आप चाहेंगे कि आपकी बेटी भी इसी में आए, आपने स्वतंत्र जिए जी क्या? नहीं, हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे, अब दुनिया बदल रहा है तो हम भी बदलेंगे ना, तो हम अभी से क्यों बंद करेंगे, जब हमारा समय हो जाएगा तो हम खुद ही बंद कर देंगे, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, 5 साल की बच्ची अभी उसको हम पोसेंगे ना, 2-3 साल की बच्ची उसको हम पोसेंगे ना, तो अभी से छोड़ देंगे तो बच्ची को कहाँ से हम पढ़ाएंगे। इतना दिन से मर रहे हैं ना, हमारे भाई ना बाप ना किसी, कोई नहीं पूछने आया तो कैसे तुम लोग खा रही, तो उस समय हम छोड़ देंगे तो कौन हम लोग को पूछेगा। तो अब आपने शादी किया? जी नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है, हम तवायफ हैं, और तवायफ की शादी नहीं होती है, कलाकार लोग आते हैं उसी में से किसी से दिल लग जाता है, अपना जीवन काट लेते हैं। तो एक महिला के जीवन में होता है कि एक सामान्य सामाजिक धारणा है कि पुरुष की बड़ी आवश्यकता है, तो कभी महसूस होती नहीं? होती है तो हमारे पास मिल ही जाता है, तुमको क्या जरूरत है, जो अच्छा। हमको रखे हैं जरूरी नहीं है तुमको हम सामना करेंगे, लेकिन जो हमारे हैं तो हमारे पास आ ही जाते हैं ना जब कभी जीवन में अपने। परेशानी,
अपनी जरूरत पूरा करने के लिए तो वही जाते हैं ना, हम अपनी जरूरत पूरा करने के लिए बुला लेते हैं, चाहे उनकी है दो। जब इंसान प्यार करता है तो दोनों को आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग दोनों प्यार करते हैं। दिल है ये कोई नहीं है, तो हम लोग कमाने पर लगे हैं तो 1000 2000 और 2000 3000 उसकी बहन कमाती है, हम लोग नहीं कमाते। अच्छा, ये जो मकान की बात है, हम लोग अपने बलबूता पर बनाए, हम खुद बनाए आज। हाँ, हम अपने बलबूता पर कमाए, अपना कला दिखा। कोई आ गया कला देखने के लिए, 10,000 का भी मोजरा हो जाता है, 15,000 का भी हो जाता है, 20,000 का भी हो जाता है। अपना कला दिखाते हैं, अपना कला दिखा कर अपना कमाते हैं, सट्टे में चले जाते हैं। तो 10,000 का सट्टा होता है तो किस्मत की बात होती है। हम जैसा परफॉर्म करेंगे, डांस करेंगे, वो पब्लिक को अच्छी लगेगी तो पब्लिक हमको दे भी करेगा, वो हिसाब से हम लोग को मिल जाता है। अच्छा, तो ये हो गया। तो जो जैसे जो लोग आप गांव में रहते हैं, तो लोग ग्राहक कैसे आपके आते हैं, मतलब जो मेरा देखने लोग? ये बहुत फेमस गांव है, यहाँ से नहीं, बहुत पुराना से फेमस गांव है, आज से नहीं, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, बसका का नाम सुनते हैं और सुनकर आते हैं। जैसे होता है ना, तो हम आज आपके यहाँ गए तो वहाँ पर बराती लोग आते हैं, 10 किस्म के लोग आते हैं, कई जगह से आते हैं। थोड़ी फलाना के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा डांस हुआ था, उन्हीं को हम करेंगे। उसी माध्यम से हम लोग को जानते जानते बहुत लोग जान जाते अच्छा, हैं। अच्छा, तो डांस में तो आ जाते हैं, सामान्य दिनों में लोग मुजरा देखने हैं, तो बाहर से लोग आते हैं या आसपास के लोग आते हैं? नहीं, आसपास के हम लोग नहीं बैठाते हैं ना। अच्छा, अब अगल बगल के लोग को हम लोग क्यों बैठाएंगे, हम लोग नहीं बैठाएंगे। दूर दूर से लोग आते हैं, अच्छा, अपना कला देखते हैं, अपना लिमिट भर। शौचालय है रोड पर, हम लोग नहीं निकालने देते हैं शौचालय, अपना इसी में अपना करते हैं, अपना चले जाते हैं सीधा घर से। हम लोग खुद ले जाकर गाड़ी तक छोड़ देते हैं, तो किसी को डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, जैसे अभी ये हो रहा है, लोग कह रहे हैं जैसे कि कला है, तो कोई कह रहा है पेशे से जुड़ी है, तो कभी आपको ये लगा कि हम गलत पेशे में आ गए, असंतुष्ट है कुछ? नहीं, हम जब गलत नहीं है तो हम सोचेंगे नहीं। जब हम गलत काम करते नहीं है, प्रशासन एक बार आकर जांच में पूरा चेकिंग किया था, तो यहाँ पर गलत चलता है ये सब, क्या मिला प्रशासन को? कुछ भी नहीं मिला। जब हम लोग करते नहीं तो अपनी, अगर गलत करते तो ये नहीं हम लोग बोलते तो सर आप हमारा जांच करें, हमारी जांच करें। जब हम सही हैं तो आप जैसे मन करें तैसे जांच करें, हमको कोई आपत्ति नहीं। जब गलत नहीं है तब, अगर गलत होते तो हम खुद ही मुंह लुकवा लेते, तो जब हम गलत नहीं है तो क्यों हम लुकवाएंगे, सामना कर लेंगे। तो जैसे फिर आते हैं, जैसे आपने बात किया, जैसे अभी मान लीजिए आपको कोई बाहर जरूरत पड़ेगी पति की, मतलब एक पुरुष की, तो जो आपसे जुड़े व्यक्ति हैं, जैसे थाना पुलिस की आवश्यकता होगा, कहीं मतलब कोई आपको बीमारी आ गई, बीमारी पड़ गई, तो आते हैं लोग साथ में सहयोग करने? हाँ, हमारे बार बीमारी में दुख सुख में आते हैं। अच्छा। और थाना की बात है तो हम ही लोग हैं, जैसे व्यक्तिगत कुछ काम पड़ गया कभी तो? हाँ, हमारी जरूरत पूरी आते हैं लोग करने के लिए, जो आपसे जुड़े व्यक्ति हैं। हमारे बच्चे लोग का खर्चा वही देते हैं। अच्छा, जो रखे हैं हमारे बच्चे का खर्चा देते हैं, सामना नहीं करते हैं, हम लोग खुद ही नहीं चाहते तो अगला सामना करे। अच्छा, कभी इच्छा नहीं होती है कि चले उनके घर पे भी? नहीं, ये सब नहीं है। ये देखिए, वो तवाइफ लोग का घर यहीं से, शादीशुदा भी होंगे यहीं से, हम लोग का लाश भी जाएगा कब्रिस्तान में। अच्छा। कला को कितना मानती है, जैसे आप जो नाम सुना है, तो कला से कितना? कला ही के लिए तो लड़ रहे हैं हम लोग, अब कैसे लड़ा जाए, कैसे मानना जाए, कला ही के लिए तो लड़ रहे हैं। अगर हम गलत होते तो छोड़ो, बसका में ये सब बंद हो गया तो कहीं और जाकर कमा लेंगे। जब हम गलत है ही नहीं है तो हम अपने लिए लड़ रहे हैं, गलत होंगे तब ना। तो और छोड़ो, ज्यादा तो बसका के लोग जान गए हैं, प्रशासन जान गया है, ये जान गए हैं, वो जान गए हैं, चलो यहाँ से भागो, हम लोग जाकर दूसरी जगह कमाएंगे। तो जब हमारे दिल में गंदगी नहीं है, जब हम लोग गंदगी करते नहीं है, तो डरेंगे किस बात से? हम इतना तकलीफ कहे हैं तो पब्लिक ये सब नहीं आकर हमारे घर चेक करेंगे, प्रशासन आकर हमारे घर पर कभी भी आकर जांच कर ले। हम अभी भी बोले 10 से 4 दिन में हो सकता है, रात में कभी भी आप चेक कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, तो कभी ऐसे मान इस समय कभी सामान्य पुलिस वुलिस परेशान करना कभी नहीं? कभी नहीं, हम लोग को कभी परेशानी नहीं, हम लोग हुए थे कभी भी नहीं। ये जो प्रधान, ये 3-4 महीना से प्रधान इतना ताम जाम लगा दिया, ना कभी कागज की मांग हुआ, ना कुछ का मांग हुआ, ना कुछ का मांग हुआ। अब तो जितना आरोप इधर 3-4 महीना से लग रहा है। तो आरोप जैसे आपके बच्चे उच्चे होते होंगे, तो बुरा नहीं लगता होगा? कौन लगाएगा, जो खुद वही है तो बुरा कौन लगाएगा, हम लोग पर उंगली कौन उठाएगा?
जो है हमारे मोहल्ले के लोग हैं उसी से जुड़े, उसी से पैदा हुए, तो हम लोग पर उंगली कौन उठाएगा। अच्छा, जैसे आपके बच्चे उच्चे स्कूल में जाते होंगे तो ये तो पूछा जाता होगा, पापा पापा क्या है, तो कैसे उसका सामना होता होगा? नहीं, आप इंसान पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अगर हम अपना नाम दे रहे हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे कोई नहीं होता, जैसे सामाजिक, देखिए हम लोग व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक कभी ऐसी परेशानियां झेलना पड़ता है? अभी हमारा 3 ऑपरेशन हुआ है तो पूछा जाता है पति का नाम, हम कहा सर मेरे बाप का नाम लिख दीजिए, हमारे हम अपने पिता का नाम देते हैं तो हमारे बाप गार्जियन में है, हमारे बाप गार्जियन में है, हमारी माँ गार्जियन में है, गार्जियन में हम अपने बाप को देते हैं, पति का क्यों नहीं नाम देते, हम नहीं देते। अच्छा, तो आप नहीं देते हैं, जैसे अभी आपका बेटा होगा जैसे आपकी जगह, तो आप अपने पापा का नाम दे ले रहे हैं, आपके साथ अच्छा रहा, तो आपका बेटा कैसे नाम देगा, तब परेशान? हम अपना नाम दे। अच्छा, तो कभी अगर बाई चीज बच्चे कभी पूछते नहीं है जैसे आपके पास है? नहीं, सब समझदार है, कोई बुर्बक नहीं है। ये छोटा बच्चा है हमारे, ये 11-12-8-9 साल का, 11 साल का बच्चा है, अभी भी पूछती है तो पापा से बात करा देते हैं, बेटा बात कर लो पापा, पापा भी फोन करके हाल चाल लेते हैं, बेटा कैसी हो, क्या कर रही हो, पढ़ने जाना, तुम्हारा चॉकलेट भेज देंगे, तुम्हारा ये भेज देंगे, तुम्हारा वो भेज देंगे, जरूरत का चीज भेज देंगे, आएंगे बेटा मिलने के लिए, कभी आ जाते हैं मिलने के लिए, मतलब सार्वजनिक जीवन से बचते हैं, बस सामना नहीं है। अच्छा, बाकी सब तो हम लोग का साथ में। अच्छा, सब कुछ घर परिवार के लोग जानते होंगे, सब कुछ तो आना जाना होगा, सबके खुशी से हम लोग। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि अपने शुरुआती दौर में बच्चों को नहीं चाहेंगे, और जैसे आपके नहीं, हम लोग नचाएंगे नहीं, हम लोग ये अब ये नहीं करेंगे, दुनिया बदल रहा है तो हम भी अपने बच्चे को भविष्य बदलेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो भी बच्ची हमारी बनेगी। तो आपके तो मम्मी पापा नहीं चाहे होंगे, तो आप तो समाज को अपने अगल बगल देख करके आ गए? नहीं, हम अपने शौक से हुए हैं, मम्मी पापा की बात नहीं है, मम्मी पापा जिसमें हम राजी हैं, अगर हम बोल देंगे सर हम इसी से प्यार करते हैं, तो अगर हमारी मम्मी पापा सोचेंगे तो अगर इस लड़का के साथ खुश है तभी ये बोल रही है, तो हम इसी से प्यार करते हैं, इसी से शादी करें, तो हमारे पापा मम्मी करा दिए शादी, इसलिए तो अगर हम जबरदस्ती कहीं और कराएंगे तो हमारी बेटी को कष्ट होगा। अच्छा, जैसे वही अगर बाप की बेटी अगर स्वेच्छा से अगर धंधे में आएगी तो खुश? तो आप इसको एक लोक कला मानते हैं या धंधा मानते हैं? नहीं, हम कला मानते हैं, हम लोग धंधा नहीं करते, धंधा करने का मतलब समझते हैं सर, धंधा ये लच्छीपुर बंगाल में होता है, सोनागाछी होता है, ये सब गया में होता है, ये सब वहाँ धंधा होता है, और भी गया में बंद हो गया, लेकिन ये लच्छीपुर ये हर जगह धंधा होता है, कहाँ कहाँ होता है बाकी तो हम याद नहीं है, लेकिन बहुत जगह यह होता है, लेकिन हम लोग धंधा नहीं करते, ये आज से नहीं, बाबा दादा की रात से चल रहा है, कला ही चल रहा है, कला चलेगा और चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक है हमारी जान तब तक करेंगे, जब हम लोग का गोड़ हाथ कमजोर हो जाएगा तो हम लोग बंद कर देंगे। तो कुछ अगर एक कुछ आपको अगर कोई आपका पसंदीदा गाना हो तो थोड़ा? नहीं, गाना नहीं गाते। आप नहीं गाते? गाते क्यों नहीं है, ऐसी थोड़ी ना है, तुम गाते नहीं है, गाते हैं लेकिन अभी नहीं गाए, बच्चे लोग हैं।